आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर में अकेले हो और आपको हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए आप घर में अकेले हैं और आपको सीने में बहुत तेज दर्द होता है, जो कि आपके हाथों से होते हुए आपकी गर्दन तक पहुंच जाता है, तो क्या ये एक आम बात है? जी नहीं, इसको एक आम घटना मानने की गलती एकदम मत करिए, क्योंकि ये हार्ट अटैक के लक्षण है। हार्ट अटैक में आपको सीने में कभी कभी बहुत जोरों से दर्द होता है, या फिर कभी कभी सीने में हल्के दर्द के साथ सीने में भारीपन होता है, जैसे कि आपकी सांस की नली दबा दी गई हो। फिर ये दर्द लेफ्ट हैंड से होके आपके गर्दन और जबड़े तक पहुंच जाता है। कभी कभी तो ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि आपकी पीठ और पेट भी दर्द होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके साथ कोई नहीं है जो आपको साथ लेकर हॉस्पिटल जा सके, आपको अपनी हेल्प स्वयं करनी होती है, क्योंकि आपको तो पता होगा हार्ट अटैक के केसेस में अटैक के एक घंटे के अंदर अंदर रोगी की जान भी जा सकती है। इसलिए हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिनसे आप हार्ट अटैक को मात दे सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके सीने में बहुत तेज से दर्द होने लगता है, तो आप अपना सारा काम काज छोड़कर एक साइड में बैठ जाएं और तेज तेज से सांस लेने लगें, या फिर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो गाड़ी को साइड में लगा के कहीं रुक जाए और अपनी सांसों को तेज तेज से लेने लगे। फिर आप तुरंत किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। ऐसी हालत में मेडिकल केयर लेना ही एकमात्र तरीका है। अगर आपका हृदय स्वस्थ है तो आपको हार्ट अटैक की शिकायत ना के बराबर होगी। तो जरूरी है कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करें, और अगर आप रोजाना वॉक करते हैं तो हार्ट अटैक की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। रोजाना 8 घंटे की नींद ये सुनिश्चित करता है कि आपका हृदय निरोग रहे, और साथ ही साथ डायबिटीज के रोगियों को तो और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सप्ताह में एक बार मछली का सेवन अवश्य करें। ये ना केवल आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके दिल की बीमारियों को भी दूर करता है। रोजाना 1 कप चाय जरूर पिए। कॉफी के मुकाबले चाय आपके दिल तक ज्यादा ब्लड पहुँचाने में काफी मदद करता है। अगर आपके जीवन में तनाव है तो आपको तनाव मुक्त होने के उपाय ढूंढने ही पड़ेंगे, क्योंकि तनाव दिल के लिए बहुत ही घातक है। समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच भी करवाते रहें, क्योंकि हार्ट अटैक की संभावना हाई ब्लड प्रेशर पे ज्यादा बढ़ जाती है। पेशाब और शौच को दबा कर ना रखें, इससे संक्रमण तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ दिल पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। सही आहार लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि संतुलित आहार आपके शरीर में स्फूर्ति लाता है और आप ज्यादा एक्टिव फील करते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में चिकनाई युक्त खाने यानी ऑयली फूड ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, तो कोशिश ये करें कि चिकनाई युक्त खाने से दूर रहें और मोटापे को हमेशा के लिए अलविदा कहें, क्योंकि मोटापा नहीं होगा तो दिल पर प्रेशर भी कम होगा, इससे आप हार्ट अटैक की एक वजह को तो यूं ही कम कर देंगे। और हाँ, अगर आपको धूम्रपान यानी स्मोकिंग की आदत है तो उसे अभी के अभी छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग से हार्ट अटैक के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। स्वस्थ और निरोग हृदय आपको हृदयघात यानी हार्ट अटैक से तो बचाता ही है, साथ ही साथ और भी कई अन्य बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे बताए हुए उपायों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ ही दिल का दौरा पड़ने पर क्या करें, इस विषय पर बनाइए स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और घरेलू नुस्खे जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। आज हम आपको बताएंगे कि गर्भावस्था की पहचान कैसे करें। गर्भधारण हो जाने के बाद महिलाओं में कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जिनसे गर्भावस्था की पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें काफी समय तक अपने गर्भवती होने का एहसास नहीं होता, या यूं कहें कि ये लक्षण उनमें जल्दी दिखाई नहीं पड़ता, या वो उनसे अनजान रहती हूँ।